लोकतांत्रिक के संस्थापक राजा भैया 30 सालों से कुंडा के सिरमौर हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में जहां कांग्रेस को 2 और बसपा को 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ा, वहीं राजा भैया ने उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर जीत दर्ज कराकर अपने कद को कांग्रेस के बराबर कर दिया है। कुंडा में जीत के बाद राजा भैया का एक इंटरव्यू हुआ जहां योगी आदित्यनाथ के राष्ट्रवादी हिंदू राष्ट्र जैसे मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय खुलकर सामने रखी। आपको बता दें, राजा भैया से कई तरह के सवाल किए गए। सवाल ये था, जिस तरह के नतीजे आए हैं क्या उससे आपको लगता है दलित या पिछड़ों जैसे कुछ मुद्दे गौण हो गए हैं, हिंदू और राष्ट्रवाद जैसे नए मुद्दे आ गए हैं? राजा भैया ने कहा, दूसरी पार्टियों के क्या एजेंडे हैं इस पर बोलने का ना तो हमारा कोई अधिकार है ना ही इस पर बोलना उचित है। जहां तक हमारी पार्टी की बात है तो हमारी अपनी कार्यशैली है, जहां कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, हमसे आकर मिल सकता है। यहां का अति पिछड़ा और दलित समाज हमेशा हमारे साथ रहा है। राजा भैया से सवाल किया गया, जो नतीजे आए हैं उससे क्या माना जाए, यूपी में जातिगत राजनीति की कोई जगह नहीं है। राजा भैया ने कहा, मैंने अपने पूरे राजनीतिक कार्यकाल में जातिवाद को कोई स्थान नहीं दिया, मैंने कभी जाति की राजनीति नहीं की, हमें सभी जातियों का सहयोग मिला। हाँ, ये कहना भी सही है कि इस बार बाबागंज में चुनाव को जाति का रंग देने का प्रयास किया गया, काफ़ी हद तक उन्हें सफलता भी मिली, लेकिन जब बाकी जातियों ने इसे समझा तो उनका आशीर्वाद हमें मिला। राजा भैया ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि यूपी की राजनीति में अब जातिवाद के लिए कोई जगह बाकी नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।